अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अभी हम उठे और अभी हमने उठते ही देखा कि बाहर बहुत अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है और जो है वीकेंड है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा पराठों का नाश्ता हो जाए और साथ में मैंने आलू का सालन भी बनाया है और सर्दी काफ़ी हो रही है तो ये नाश्ता बहुत मज़ेदार लगेगा सर्दी में। सो पोको से तो मुझे ये वाला पैन नहीं मिला था तो मैं वूलवर्ट से जो है ये रोटी बनाने के लिए लेकर आई हूँ और आज ही फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। पराठे तो अभी सही लग रहे हैं इस पर, अब रोटी देखते हैं कैसी बनती है। और नाश्ते के बाद और ज़्यादा तेज़ बर्फ़बारी हो गई है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और अभी मैं नीचे गई थी तो अभी मैंने लेटर बॉक्स में जो है ये कुछ मैगजीन्स वगैरह रखे हुए देखे तो मैं लेकर आ गई। और ये मैगजीन जो है वो हर वीक ही आ जाते हैं, ये वीकली इसमें ऑफ़र्स होती हैं। जैसे अभी 25 से लेकर ये 3 मार्च तक का आई थिंक होगा, तो इसमें जो भी आपके मार्ट्स वगैरह हैं उसमें जो भी ऑफ़र्स आई हुई होती हैं, कोई अगर डिस्काउंट्स वगैरह हैं तो वो सब इसमें पता चल जाते हैं। तो आप घर बैठे आराम से जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए जो भी आपको चीज़ें लेनी है वो आप देख लें और फिर उसके बाद आप शॉपिंग करने चले जाएँ। तो जैसे अभी रोज़मान मुझे जाना है तो रोज़मान में जो भी ये चीज़ अभी मिल रही होंगी उनके प्राइस मुझे पता चल जाएंगे कि भाई कौन सी प्राइस पे कितने पैसे बढ़े हैं, अगर कोई ऑफ़र में है तो वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह आसानी हो जाती है। और सारे तकरीबन मार्ट्स का है, कुछ मार्ट्स मैंने देखे भी नहीं है। और लिडिल मुझे जाना है क्योंकि लिडिल भी करीब है मेरे घर से, तो लिडिल में भी जाके देख लेती हूँ कोई अगर चीज़ इसमें मुझे समझ आ गई तो ले लूँगी मैं, क्योंकि ग्रॉसरी से लेके काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं लिडिल में भी। और इसके अलावा जो है वो इडिका का है, काफ़ी सारे मार्ट्स का है, कॉफलैंड के भी हैं, रेवे के भी हैं। और इस तरह के जो है प्लांट्स वगैरह गार्डनिंग की चीज़ें भी देखने मिल जाती हैं सब आपको। तो इन ऑफ़र्स के ज़रिए आसानी हो जाती है कि जिस तरह जो है वो महंगाई हो गई हर जगह, और जर्मनी में भी काफ़ी महंगाई हो गई, तो हर वीक जो है वो प्राइस बढ़ रहे हैं चीज़ों पर। तो अगर 100 यूरोज़ का बजट बना के जाएँ तो पता चलता है नेक्स्ट वीक में जो है वो 120 की चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो गई है सबके लिए। और ये बाउ हाउस का भी ये इसका मतलब ये कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ मिल जाएंगी, आपको वॉल पेंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है अगर बाथरूम के लिए आपको टैप्स चाहिए, शावर्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, सब कुछ मतलब चार्जर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं आपको। तो ये भी जो है वो आसानी है कि इस तरह की इन्होंने चीज़ों के लिए एक अलग जो है मार्ट या मार्केट्स रखी हुई हैं। तो इस तरह सारे मैगजीन्स जो हैं वो वीकली आते रहते हैं और काफ़ी सारा जो है वो घर में जमा हो जाते हैं और फिर वो एज अ न्यूज़पेपर ही यूज़ हो रहे होते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा गर्मा गर्म जो है दोपहर में दाल चावल बना लिए जाए, क्योंकि दोपहर में तो दाल चावल बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो दाल रेडी हो गई है और चावल भी तकरीबन दम पर ही है, और साथ में मैं बनाऊँगी आलू के कबाब, क्योंकि जो है दाल चावल के साथ जो है वो कुछ ना कुछ जैसा कोई कबाब या कोई आलू की जो कतलियाँ होती हैं वो अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं आलू के कबाब बना रही हूँ, आलू बॉयल कर लिए थे, हम इसमें सारे मसाले वगैरह शामिल कर लूँगी, जल्दी जल्दी जो है वो कबाब बना के फ्राई कर लूँगी क्योंकि दोपहर हो गई है और वीकेंड तो इतनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब इतने सारे काम होते हैं, मशीन भी लगानी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बस सारे जो है वो कामों में दिन निकल जाता है कुछ। और सर्दी हो रही है तो थोड़े काम करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में, और वरना लास्ट वीक तो बहुत सही था मौसम, लेकिन जो यह हफ़्ता ये बहुत सर्दी का है। और अभी जो है वो कबाब फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बस अब खाना निकालने वाली हूँ, तो गर्म गर्म जो है वो कबाब फ्राई करके और फिर हम खाना खाएँगे। और कबाबों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आलू के कबाब अच्छे लगते हैं वैसे ना, जैसे शामी की तरह तो नहीं होते लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत पसंद है, स्पेशली दाल चावल के साथ, और साथ में अचार हो तो बहुत मज़ेदार लगता है। और अब देखें ये धूप निकली हुई है, मतलब मौसम इतना अजीब हो रहा है कि सुबह बर्फ़बारी हो रही थी और अभी जो है वो धूप निकली है और धूप के साथ भी बारिश हो रही है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मौसम चल रहा है। फैब चल रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा मौसम का, और बीमार होने वाला मौसम है ये। सो अब इर्तेज़ा सो गए तो मैं टीवी देख रही हूँ, वरना तो टीवी पर इर्तेज़ा की कोको मेलन की पोएम ही लगी होती है और वो ही देखते रहते हैं पूरा दिन, उन्हीं का कब्ज़ा है। तो इसी के साथ मैं अपने वीलॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी का सफ़र अभी जारी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।